तो यहाँ पर देखिए हमारा यम्मी सा खाना बन करके तैयार है। अरे वाह, इतनी पतली रोटी कौन बनाता है, इतनी अच्छी रोटी। मैं खाने से महरूम रह गया। हाँ कोई नहीं, आप ये देख, वाह मम्मी क्या कलर आया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर हेलो, देखो सब सही टाइम पे आए हैं सब लोग। अच्छा क्या है? क्या देख, खुशबू आ रही है तेरे को? पापा के में से टेस्ट कर रही है, कह रही मैं भी खाऊंगी पापा के में से। बहुत अच्छे बने, यम्मी है। मुझे भी चाहिए, तू भी खा ले डबल ट्रीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली मीनल में। तो दोस्तों मैं आई हूँ अपने घर मुरादाबाद और मम्मी मेरे लिए कुछ स्पेशल सी रेसिपी बना रही है जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आपको सबसे मिलवा भी देती हूँ और दिखाती भी हूँ कि क्या बना रही है। तो मम्मी क्या बना रही हो? बेटा बैंगन का भरमा भरमा बैंगन बना रही हूँ। मिल लो सबसे, आप इधर आए। हेलो कैसे हैं आप सब? तो मम्मी आज है ना भरमा बैंगन बना रही हूँ। मम्मी सूखे वाले बना रही हूँ? नहीं सूखे तो मैं बनाती हूँ हमेशा, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी वाले बनाऊंगी, वो मैं बना। वो कौन से वाली बना रही हूँ? कोल्हापुरी स्टाइल, कोल्हापुरी वाले स्टाइल है, सूखा इसके अंदर मसाला भर के उसके बाद में फिर। तो चलिए मम्मी मेरे बहाने आप लोगों को भी सिखा देंगे। बैंगन देख के काट रहे हो, चार पीस इसके कर रही है, अंदर कोई कीड़ा नहीं हो इसको देख के, उसमें को चार हम में कट कर लिए। हाँ, पानी में डालते, पानी में डालते रहेंगे ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। हाँ, ब्लैक पड़ जाते हैं ना ये, देखिए इस तरीके से कट करने हैं। देखिए ओके, बाद में ये देख लिया, बिल्कुल साफ है बैगन। हाँ देख लेना है कीड़ा वीड़ा ना हो। हाँ। और उधर क्या बन रहा है मम्मी कुकर में? उधर मैंने मटन बनाया है। मम्मी ने मटन बनाया है रुद्रांश के लिए, क्योंकि मैं और पापा खाते हैं बैगन, मतलब वेज खाते हैं, और रुद्रांश के लिए स्पेशल बन रहा है मटन। तो अभी हम मटन भी खोल के दिखाएंगे आपको कि मटन कैसा बना है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो चलिए अभी तो हम ये कट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यो यहाँ पर मम्मी ले रही है बेसन, दो बड़े चमचे, एक चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। वो रोस्ट कर लिया था पहले, और उसके बाद में मम्मी ने मिक्सी में पीस लिया, मिक्सी में पीस लिया। फिर डेढ़ चम्मच के लगभग सौंफ, लहसुन डाल रही है मम्मी ने कूट ली थी, तो लहसुन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। ये अदरक है, कद्दूकस कर ली थी मैंने। आधा नींबू का रस लेना है, ये इसमें थोड़ा सा मम्मी डाल रही हैं हरा धनिया। यहाँ पर मम्मी डाल रही हैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें डाल रही हैं मम्मी खटाई, एक से डेढ़ चम्मच हमें खटाई डालनी है, और नमक, नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। इधर सीटी बज रही है मटन की, मतलब कुकर की, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो नहीं खाती पर खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही हैं आधा चम्मच के लगभग पाव भाजी मसाला, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें मम्मी ऑयल भी डालेगा ना? हाँ ऑयल पड़ेगा तभी तो बाइंड होगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ ऑयल कौन सा डाल देंगे? और सरसों का तेल, सरसों का तेल डाल सकते हैं। हाँ, या मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही है ऑयल डालने की, और यहाँ पर एक बंदर खड़ा हुआ है। नानी मेरा मटन बना। हाँ बेटा बन रहा है अभी, है मटन तो यहाँ पे रखा हुआ है, सीटी आ रही है। और यहाँ पर मम्मी ने कितना डाला है? दो चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये क्या बन रहा है? ये भरवा कोल्हापुरी बैगन। दाल बाटी में बनाया था? नहीं वो तो चोखा था ना, तो चोखा था बेटा। हाँ इसे खा के देखना, जो तुम बैंगन नहीं खाते हो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो तुम भी जो है क्या कहते हैं खाना शुरू कर दोगे। ये देखिए खुशबू आ रही है। नानू क्या कर रहे हैं? नानू बाहर धूप सेक रहे, फोन देख रहे हैं। अच्छा फोन, नासा वाले बहुत खतरनाक है। अच्छा और यहाँ पर मम्मी मिक्स कर ले रही है। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालनी है हल्दी। अच्छा बस थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। तो हल्का सा मिक्स कर लेना है, भुरभुरा सा, ताकि अंदर बैगन में चिपक जाए। इसमें तेल इतना डालना है जो ये बाइंड हो जाए। अच्छा मतलब बिखरे नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो बैगनों में भरा नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे ये है ना ये। हाँ, देखो ये, हाँ, हाँ, ये हो गया ना ये बाइंड। हाँ, हाँ, इस तरीके से अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और तेल डाल सकते हो। यहाँ पर मम्मी ये मूंगफली का तेल है ना? हाँ मूंगफली का तेल, मम्मी लोगों के है ना मूंगफली का तेल खाया जाता है, बहुत अच्छा रहता है ये कोल्ड प्रेस्ड है। और यहाँ पर पापा भी आ गए, और अब हम पापा से मिलवा दे। पापा हेलो, हाय कैसे हैं आप? ठीक
ठीक है, क्या हो रहा है? मम्मी पसंद की मेरी बना रही हैं भरवा बैगन, और आप और मैं तो बैगन खाएंगे और रुद्रांश खाएगा मटन, तो वही वेरी गुड वेरी गुड है ना, मेरे मन पसंद की चीजें मिल रही हैं। हाँ सही है। मम्मी कुछ कह रही, क्यों बोल रही हूँ? दाल किसने बनाई है? हाँ, तो बनी है, दाल भी बनी हुई रखी है, चावल बनाए हैं। हाँ सही बात है। हाँ? यहाँ पे हो गया मम्मी? हाँ ये हो गया, अब इसके हम दो हिस्से कर लेंगे। अच्छा ठीक है। और रुद्रांश कह रहा है वहाँ पर बंदर आ रहे हैं, टोली आ रही है, उसको तो बहुत मजे आ गए हैं। चलिए अब उसको, अब बैगन हम भरते हैं। तो ये दो हिस्से को क्या करेंगे मम्मी? तो एक हिस्सा जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें डाल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बाकी इसमें भर देते हैं। अच्छा तो यहाँ पर मम्मी ने भर दिए हैं बैगन, इस तरीके से भरने हैं हमें। भाई तो एकदम मैगी मसाला बन गया। मैगी मसाला बन गया ना, नानी के हाथ के बैगन खा के देखना, तुम मस्त बनाती है भरवा वाले बैगन। तंदूरी बैगन, तंदूरी बैगन, कोल्हापुरी बैगन। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सारे बैगन भर लेने हैं। अच्छे से भरिएगा, लूज मत छोड़िएगा, नहीं तो क्या है ना, अगर आप लूज छोड़ दोगे तो जब हम सब्जी बनाएंगे ना तो ये निकल जाएगा, ग्रेवी में डालेंगे तो ये सब निकल जाएगा, इसलिए टाइटली। मैं हेल्प करूं क्या? तू क्या हेल्प करेगा? मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। हाँ तो शैतानी करेगा और गड़बड़ कर देगा। ये चीज नहीं बतानी थी, ये चीज नहीं बतानी थी, क्यों? ये चीज कट कर देना। अच्छा नहीं, मैं तो अब रखूंगी। अच्छा चलो ठीक है। बैगन आपने मम्मी कितने लिए? बेटा 400 ग्राम है। अच्छा 400 ग्राम है। ये देखिए 5 ये हो गए, उधर भी हमारे 3 बैगन है। तो यहाँ पर देखिए सारे बैगन है ना हमारे फिल हो गए हैं अच्छे से, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने मसाला भी बचा लिया है जो ग्रेवी में पड़ेगा। और इधर मम्मी ने रख लिया है कढ़ाई, 2 बड़े चम्मच। हाँ, और थोड़ा सा और तेल बस। अच्छा ये डाल लिया है मम्मी ने, और गर्म होने देंगे। वैसे तो मम्मी मूंगफली का तेल यूज कर रही हैं, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे सरसों का हो चाहे रिफाइंड हो। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही हैं थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के लगभग, 2-4 मेथी के दाने। अच्छा थोड़े से मेथी के दाने, 1/4 चम्मच है, 10-12। और अब इसमें जो है प्याज डाल। प्याज मम्मी कितनी लिया आपने? मीडियम साइज की, 3 प्याज है मीडियम साइज की। अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें मम्मी डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक जिससे जल्दी ये भून जाती है, प्याज जो है जल्दी भून जाती है और टेस्ट भी अच्छा जाता है। टेस्ट अच्छा। मसाला भून रहे हैं, हमारे बैगन उधर रखे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही है थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी डालो अदरक, अदरक भी डाल दी है मम्मी ने। अच्छा इस तरह से जब तेल निकलने लगेगा तब उसमें जो है टमाटर डालेंगे, और थोड़े से मसाले भी डालने हैं और मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा लगभग प्याज भुन गई है, और देखिए ऑयल भी होने लगा है। अब मम्मी यहाँ पर थोड़े से मसाले डाल रही हैं, कश्मीरी लाल मिर्च हाँ 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी आधी चम्मच, हरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक पहले भी डाल चुके हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मम्मी गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालेगा क्या? पड़ेगा अभी। अच्छा भूनेगा, टमाटर वगैरह भून जाएंगे। हाँ 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 उसके बाद डाल। चलिए ठीक है, ये देखिए अब हमें इसे सब मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज वगैरह और मसाले भून गए हैं, तो मम्मी यहाँ पर डाल रही हैं टमाटर, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, ऐड कर दिए। दोस्तों ये वाले बैंगन आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और देखिए हम लोग तो ज्यादा से बनाते हैं। हाँ ये वाले बैंगन तो बहुत अच्छे लगते हैं, पापा को भी बहुत अच्छे। हाँ और मम्मी भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं चीज़ों के साथ। तो ये देखिए कलर भी देख लीजिए आप, क्योंकि टमाटरों को हमें अच्छे से भून लेना है। जब इसमें से तेल वो ऑयल रिलीज हो जाएगा तब इसमें जो हमने बैगनों में जो मसाला भरा था ना जो बचा लिया था आधा, वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद भून के थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के अच्छा थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आधा चम्मच करीब गर्म मसाला डाल दिया। अच्छा
और आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये जो बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा अच्छा, कुछ चला लेंगे। हाँ, और उसके बाद में जो इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालो, गर्म पानी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी, थोड़ा सा ही डालना है। हाँ, अभी थोड़ा सा डाल दो, फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, तो पानी फेंकेगा। अभी और डालो। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालिएगा। और अभी हमें, और अब हमें इन मसालों को पका लेना है पानी में। इसमें हमने लगभग एक कटोरी के आसपास पानी डाल दिया। हाँ, एक कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी इसमें हमने डाल दिया। अभी हम ढक देते हैं, दो मिनट के लिए ढक देंगे। हाँ, ऑयल इसमें से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम फिर बैंगन डालेंगे। हाँ, अब इसको उठा के देखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और आगे अब इसमें हम जो है एक करके बैंगन डालेंगे। अच्छा, आँच जो है हमारी अभी सिम पर है। बिल्कुल इनको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, जिससे कि बैंगन टूटे नहीं। धीमी आँच पे पकाना। हाँ, धीमी आँच पे पकाना है, धीमी आँच ताकि लगे ना बैंगन। हाँ। ग्रेवी इन बैंगनों के ऊपर डाल दे रही है मम्मी, ताकि पक जाए अच्छे से बैंगन। तो बस हमारे बैंगन मम्मी बनने में कितना टाइम और लगेगा? 10 मिनट, जितनी देर बैंगन गलेंगे बस। अच्छा, बैंगन तो जल्दी गल जाते हैं। हाँ, चलिए तो मम्मी अब यहाँ पर ढक करके रख दे रही हैं। और 10 मिनट बाद गैस सिम कर दी है। हाँ, अब हम दिखाते हैं बाहर इन लोगों का क्या चल रहा है, रुद्रांश और नानू का। तो रुद्रांश और नानू है ना, कहीं लापता हो गए हैं, पार्क में चले गए हैं। ये लोग दिख ही नहीं रहे कहाँ हैं। चलिए अभी ढूंढते हैं। तो रुद्रांश यहाँ पर कुछ ढूंढने आया है। अभी मैं बाहर देख रही थी तो तुम तो मुझे मिले नहीं। आप कहाँ जा रहे हो खेलने? खेलने कहाँ खेल रहे थे? गार्डन में, पार्क में। अच्छा जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो फिर आओ खाना खाने, 10 मिनट खेल लो बस, आ जाओ फिर खाना खाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आने लगा है ना। देखिए थोड़ा सा हम मम्मी चला देंगी। मम्मी क्या करना पड़ेगा ना? हाँ, थोड़ा चला रही है मम्मी, लेकिन हल्के हाथ से ही चलाना। अच्छा अच्छा, ताकि अंदर की फीलिंग निकले ना। फीलिंग भी नहीं निकले और दूसरा जो है ये गल भी जाए। मटन देख लो। हाँ, मटन देखो आप, खोलो। तो यहाँ पर देखिए मस्त कुकर खुलने वाला है। वाओ, कलर देखिए दोस्तों। तो देखिए मम्मी चला के दिखाओ जरा कैसा बना है, हम भी देखते रहे। वाओ, क्या मटन बना है, मस्त लग रहा है यार ये तो। क्या मटन है, कलर। अब इसमें ना थोड़ा धनिया डाला जाएगा। और कलर देखो, बस मटन बन के तैयार। कितना अच्छा कलरफुल, मतलब क्या है, थोड़ा सा चला के, मतलब मैं खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी दिख रहा है। बस अब इसको बंद कर देंगे। सिंपल तरीके से बनाया ना मम्मी? हाँ बिल्कुल सिंपल। ज्यादा तामझाम किया क्या? मम्मी तो ज्यादा तामझाम वाला काम करती नहीं है। बहुत कम बनाती हूँ वैसे भी, ये बच्चे आ जाते हैं तभी बनता है। वाओ यम्मी, देखिए मम्मी निकाल रही है। ये देखिए कलर, ग्रेवी, बहुत यम्मी बना है। तो रुद्रांश का खाना आ चुका है। अरे वाह, इतनी पतली रोटी कौन बनाता है, इतनी अच्छी रोटी? नानी। हाँ, नानी मम्मी को टिप्स एंड ट्रिक्स दे देना। हाँ दे दूंगी। देखो खा के बताओ नानी ने कैसा बनाया है। अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है ना, गरम है देख करके। देख के बेटा धीरे ठंडा करके। अच्छा बना है, यम्मी बना है। और हम लोग यहाँ पर है ना खाने की तलाश में, हमारा वेज हमारा वेज बन रहा है ना, इसीलिए मैं खाने से महरूम रह गया। हाँ कोई नहीं, आपका आपका और मेरा वेज बन रहा है, जो नॉन वेज खाता है उसको भेज दो। हाँ तो चलिए अब हम अपने बैगन देख लेते हैं मम्मी। ये देख, वाओ मम्मी क्या कलर आया है, मस्त लग रहा है। ये तो एकदम बटर चिकन जैसा लग रहा है ना। ये सब बन गया, यहाँ पर देखिए बन गया है ना। तो मम्मी डाल रही हैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोस्तों देखिए बन करके तैयार हो गए हैं हमारे प्यारे से सुंदर से बैगन। कलर आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया आया है,
तो मम्मी अब निकाल लेती हैं एक बाउल में, और बहुत अच्छे से गल गए हैं। मम्मी ने टूथपिक डाल के चेक कर लिए थे, तो मम्मी एक बाउल में निकाल लेती हैं। ये देखिए मम्मी निकाल लेती हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे बैगन बने हैं। और यम्मी, तो यहाँ पर देखिए हमारा यम्मी सा खाना बन करके तैयार है, और मम्मी दे रही हैं। ये देखिए पापा, ये जो मम्मी ने बैगन बनाया है, आप तो खैर खाते रहते हो, मम्मी पापा बताइए खा के कैसे बने ये बैगन, आपका रिव्यू चलेगा आज ये बैगन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है, टेस्ट डिफरेंट आ रहा है ना, अलग तरीके का ही बना है। अच्छा, तो कौन आया है यहाँ पर? हेलो, हेलो, देखो सब सही टाइम पे आए हैं सब लोग। अच्छा, मैं समझ गई हाँ, फोन आ रहा था। क्या है, क्या देख खुशबू आ रही है तेरे को? अरे मैं हाथ धोलूं। तो रुद्रा सोनी आ गई है और पापा के में से टेस्ट कर रही है, कह रही मैं भी खाऊंगी पापा के में से। मम्मी ने बनाए ये वाले बैगन? अच्छा, कोल्हापुरी बैगन, हमारे भी बैगन बने थे। अच्छा, कोल्हापुरी बैगन, कोल्हापुरी बैगन, हाँ बता कैसे बने? बहुत अच्छे बने, यम्मी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तू भी खा ले, घर वाले बैगन से भी खा लूंगी। डबल ट्रीट, डबल ट्रीट, डबल बैगन। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसने तो देखी नहीं है, हम ये देख के बनाएगी, मैं देख कर बनाऊंगी, लेकिन टेस्टी बहुत है, टेस्टी बहुत है ना। तो इस चैनल को क्या करना है, दुनिया आपकी मांगी थी बताइए निष्का, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।